नमस्कार, मैं प्रिया। आज 22 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के अर्पना ने एक साथ तीन चोटियों पर लहराया परचम। BCECEB के एडमिशन के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। बिहार में होगी अब गांव-गांव तक टेलीमेडिसिन सेवा। बिहार के स्टेट हाईवे अब होंगे अपग्रेड। युवाओं के लिए बैंक में नौकरी करने का सुनहरा मौका। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BCECEB के एडमिशन के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए रैंक लिस्ट और सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है, जिसके तहत बिहार के 10,000 सीटों पर नामांकन के लिए रैंक कार्ड BCECEB की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, जिसके बाद तुरंत लिस्ट के आधार पर चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 24 नवंबर तय की गई है। फर्स्ट राउंड के तहत प्रोविजनल सीट आवंटन 27 नवंबर को जारी कर दिए जाएंगे। आवंटन पत्र 27 से 29 नवंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं। पहले राउंड के तहत नामांकन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 से 29 नवंबर तक होगा। वहीं दूसरे राउंड के तहत प्रोफेशनल सीट आवंटन 2 दिसंबर को जारी होगा। अर्पना ने एक साथ तीन चोटियों पर लहराया परचम। बिहार और प्रतिभा एक दूसरे के पूरक है, जिसका परिणाम आपको समय समय पर देखने को मिल सकता है। इसी कड़ी में अब बिहार की एक और बेटी ने बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है, जिसके तहत नालंदा की बेटी अर्पना ने एक साथ तीन चोटियों पर परचम लहराया है। 7 नवंबर को लगातार चौथी बार पर्वतारोही करने गई अर्पना सिन्हा ने यह कारनामा किया है। पहला चोटी जियो चिला ट्रैक, दूसरी चोटी जोनगरी टॉप और तीसरी चोटी सिंगलीला ट्रैक थी, जिसके बाद आज बिहार शरीफ वो पहुंच रही है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्पना सिंह ने सिर्फ इस काम में ही महारत हासिल नहीं की है, बल्कि अर्पना कराटे में भी नेशनल और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 50 से अधिक मेडल जीत चुकी है। युवाओं के लिए बैंक में नौकरी करने का सुनहरा मौका। अगर आप भी बैंक में नौकरी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए हमारी यह खबर कुछ खास है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में सिक्योरिटी ऑफिसर, रिस्क मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, क्रेडिट ऑफिसर, इकोनॉमिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर सहित अन्य पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके तहत ही अब आपके पास UG, PG, MBA, PhD युवाओं के लिए बैंक में जॉब का शानदार मौका है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू हो सकती है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत झा की। लक्ष्मीकांत झा बिहार के दरभंगा जिले में पैदा हुए MBE या LK झा के नाम से बुलाए जाते थे। 1 जुलाई 1967 से 3 मई 1970 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 8वें गवर्नर रहे थे। झा भारतीय सिविल के 1936 बैच के सदस्य थे। उन्होंने BHU वाराणसी, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स UK में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कैम्ब्रिज में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और जब कीन्स वहां पढ़ा रहे थे। इसके साथ ही उन्हें कार्यकाल के दौरान महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भारतीय रुपए के प्रतीक SVG 2, 5, 10 और 100 के मूल्य वर्ग के भारतीय रुपए के नोट 2 अक्टूबर 1969 को जारी किए गए थे। ये वही नोट है जिन पर उनके हस्ताक्षर है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। यूपी से भी लंबा बनेगा बिहार का दूसरा एक्सप्रेसवे। हाल ही में उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे की सौगात मिली थी, जिसके बाद से ही बिहार में ये सवाल उठने लगा था कि आखिर बिहार में कब एक्सप्रेसवे का जाल बिछेगा, जिसके बाद ही बिहार सरकार ने जल्द ही एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात कही है। इसी बीच अब बिहार के दूसरे एक्सप्रेसवे के निर्माण की खबरें भी सामने आई है। सबसे खास बात यह है कि 695 किलोमीटर का यह लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है। बताया गया है कि बिहार में दूसरा एक्सप्रेसवे रक्सौल से हल्दिया के बीच बनाया जाएगा। जल्द ही इस एक्सप्रेसवे को लेकर DPR तैयार करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। रक्सौल से हल्दिया तक बनने वाला यह एक्सप्रेसवे 6 से 8 लेन का होगा। माना जा रहा है कि बिहार के इस दूसरे एक्सप्रेसवे का निर्माण अगले साल से शुरू होगा। सेब की खेती करने के लिए मिलेगा अनुदान। बात सेब की हो तो दिमाग में आपके कश्मीर ही नजर आता है, लेकिन बिहार में सेब की खेती होने लगे तो आप भी सुनकर एक बार अकबका जरूर जाएंगे। पर अब ऐसा होने वाला है, क्योंकि अब बिहार में सेब की खेती करने के लिए सरकार आपको अनुदान देने वाली है, जो कि बिहार के 7 जिलों में शुरू होने वाली है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर में पहली बार सेब की खेती के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के अलावा भागलपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, वैशाली, कटिहार, समस्तीपुर जिले का भी इस योजना के लिए चयनित किया गया है। 7 जिले में 10 हेक्टेयर में सेब की खेती होगी। मिली जानकारी के अनुसार खेती करने वाले किसानों को उद्यान विभाग की तरफ से 50% अनुदान मिलेगा।
बिहार के भागलपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भागलपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर पूर्व अंतिचक गांव स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है और विदेशों से भी पर्यटक इस विश्वविद्यालय को देखने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्ष या 9वीं सदी की शुरुआत में की थी। करीब 4 सदियों तक वजूद में रहने के बाद 13वीं सदी की शुरुआत में यह नष्ट हो गया। विक्रमशिला के अलावा यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब इन युवतियों को सरकार देगी ठिकाना। बिहार सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम करती आई है। यही कारण है कि मौका कोई भी हो, बिहार सरकार महिलाओं की मदद करने से पीछे नहीं हटती। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने घर से भागी और मानव तस्करों से मुक्त कराई गई युवतियों के लिए बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य सरकार ने फैसला किया है कि कई ऐसी लड़कियां को रखने के लिए हर जिले में एक रक्षा गृह की स्थापना की जाएगी। समाज कल्याण निदेशालय के अनुसार सभी जिलों में रक्षा गृह बनेगा, साथ ही रक्षा गृह में सुरक्षा के साथ उनके हुनर को निखारने का काम किया जाएगा। निदेशालय के अनुसार यह देखा जा रहा है कि भागकर बाल विवाह करने वाली लड़कियों के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। स्टेट हाईवे अब होंगे अपग्रेड। बिहार के स्टेट हाईवे अब जल्द ही राष्ट्रीय हाईवे के तर्ज पर अपग्रेड होने वाले हैं। इस बाबत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़कों की सूची मांगी है। मिली जानकारी के अनुसार ऐसी लगभग आधा दर्जन सड़कों का चयन स्टेट हाईवे की उन सड़कों से किया जाना है जिन्हें पूर्व में NH में लिए जाने को लेकर सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत बड़ी संख्या में NH का निर्माण होना है, जिसके लिए पूर्व में NH में अपग्रेड किए जाने की सहमति वाली सड़कों की सूची तलाशी जा रही है। कुछ समय पहले ही 2 चरणों में स्टेट हाईवे को NH में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी, जिसके बाद अब जल्द ही इस पर काम शुरू होने वाला है। बिहार में होगी अब गांव-गांव तक टेलीमेडिसिन सेवा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत होने वाली है, जिससे ग्रामीण इलाकों में घर के पास ही ग्रामीण वासियों को स्वास्थ्य की से जुड़ी सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। ज्ञात हो राज्य में डॉक्टरों की कमी एक बड़ा मसला है, जिसको देखते हुए विभाग ने 7 निश्चय 2 के तहत ही ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत गांव में रहने वाले मरीज टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़े अस्पताल के डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग बिहार के सभी 534 प्रखंडों में कम से कम 2 स्पोक्स खोलने की तैयारी हो रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना के कारण लोग अभी भी अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग हो गए हैं। यही कारण है कि अस्पतालों में भी लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने इस नई सुविधा की शुरुआत करने का ऐलान किया है। बाढ़ से प्रभावित किसान 25 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन। बाढ़ एक ऐसी समस्या है जो बिहार में हर साल आती है और करोड़ों की संपत्ति साथ ले जाती है, साथ ही बिहार के किसान की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। लेकिन बिहार सरकार अब किसानों की बर्बाद हुई फसलों पर अनुदान देने वाली है। इसको लेकर अन्नदाताओं से 25 नवंबर तक आवेदन की मांग की गई है। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 20 नवंबर थी। अब तक 8 लाख आवेदन कर चुके हैं, बावजूद काफी किसान अभी आवेदन नहीं कर सके हैं, लिहाजा सरकार ने समय बढ़ा दिया है। ज्ञात हो खरीफ 2021 में बाढ़ अतिवृष्टि से जिनकी फसलों को नुकसान हुआ या जल जमाव के कारण जिन किसानों की जमीन पड़ती रह गई, उनको कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ दिया जाना है। देश के 108 मीट्रिक टन साइलो के निर्माण के लिए योजना स्वीकृत। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी मौके पर खाद्य आपूर्ति विभाग और जन वितरण विभाग की तरफ से बिहार की राजधानी पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों के भविष्य को लेकर उन्होंने कई बातें कही, जिसके तहत उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। कोविड-19 संकट काल में 80 करोड़ लाभुकों के लिए 15 महीने तक कुल 596 लाख मीट्रिक टन अनाज वितरित किए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता 2015 में 5.30 लाख मीट्रिक टन थी, जो अब बढ़कर 10.30 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। भारत के पहले राइस साइलो कैमूर और बक्सर में बनाए जाने की योजना है। एक वर्ष के अंदर काम शुरू हो जाने की संभावना जताई गई है। भारत घूमी बिहार की बेटी। भारत घूमने की बात जब आएगी तो आपके जहन में ट्रेन और विमान टिकट का लंबा खर्च सामने आ जाएगा, लेकिन बिहार की बेटी ने महज साइकिल पर सवार होकर भारत घूमने का काम किया है, जिसके बाद ही छपरा की बेटी सविता महतो ने यह कीर्तिमान स्थापित किया। सविता ने 173 दिनों में 29 राज्यों का साइकिल से भ्रमण किया। इतना ही नहीं, इस यात्रा में सविता ने बेटी बचाने का संदेश भी दिया है। इसके बाद अब सविता माउंट एवरेस्ट को 2022 में फतह करने का सपना देख रही है, लेकिन इसमें उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर सविता ने कला संस्कृति विभाग से मदद की गुहार लगाई है।
दूसरे राज्यों में निबंधित वाहन बिहार में चलाए गए तो खैर नहीं, बिहार में अवैध रूप से स्थायी तौर पर झारखंड समेत अन्य राज्यों से निबंधित वाहनों का परिचालन देखने को मिलता है, लेकिन अब ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होना तय है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में सभी DTO, MVI और ESI को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है। वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी, जो अभियान के तहत झारखंड समेत अन्य राज्यों के 21 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के चालकों पर कार्रवाई करते हुए इसमें सीट बेल्ट, हेलमेट, फिटनेस इंश्योरेंस आदि की जांच की गई। जुर्माने के साथ विभिन्न धाराओं के तहत 54 वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई हुई। पटना एम्स में दूर होगी गंजेपन की समस्या। बिहार की पूरी आबादी में कई ऐसे लोग हैं जो कि गंजेपन के शिकार है। हैरानी की बात यह है कि इस सूची में महिला और पुरुष दोनों का नाम शुमार है, और यह समस्या ऐसी है जिसकी शुरुआत अगर हुई तो व्यक्ति को गंजा बनाकर ही छोड़ती है। लेकिन इन सब के बीच अगर आपको यह पता चले कि आपके गंजेपन का इलाज पटना में संभव होने वाला है तो आप भी जरूर खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि अब हेलमेट आपको गंजापन से बचाने वाला है। पटना एम्स ऐसा हेलमेट विकसित करने जा रहा है जिसकी मदद से गंजेपन का इलाज संभव हो जाएगा। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट और न्यूरोफिजियोलॉजी के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर योगेश कुमार का कहना है कि इस विशेष हेलमेट में 32 LED का प्रयोग किया गया है, जिससे गंजेपन से लोगों को निकाला जा सकता है। रेलवे के स्टेशन मास्टर के लिए खुशखबरी। रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में तैनात ट्रैक मैन पटरियों और पुलों के रखरखाव में अहम भूमिका निभाते हैं। ठंड हो या घना कोहरा, 12 घंटे लगातार इनका काम चलता रहता है। इनकी ड्यूटी काफी कठिन मानी जाती है, जिसके लिए रेलवे की तरफ से उन्हें हार्ड ड्यूटी भत्ता भी दिया जाता है, लेकिन बीमार होने और अन्य कारणों से छुट्टी लेने पर उन्हें हार्ड ड्यूटी भत्ते में कटौती कर दी जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। रेलवे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार अब कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। वहीं स्टेशन मास्टर कैडर का भत्ता 29,200 से बढ़ाकर 35,400 करने का आश्वासन भी दिया गया है, जिससे बिहार के सभी रेलवे स्टेशन पर तैनात ट्रैक मैन को काफी राहत मिली। सिन्हा बने राष्ट्रीय मंत्री। ऋतुराज सिन्हा बिहार भाजपा के युवा चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी बीते दिन भाजपा ने दी है। ऋतुराज सिन्हा को जेपी नड्डा ने पार्टी में राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। ऋतुराज सिन्हा को भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने से युवाओं में भाजपा ने सीधा संदेश दिया है। राजनीतिक सलाहकारों की माने तो भाजपा के इस निर्णय का भाजपा को कई इलाकों में फायदा भी मिलेगा। ऋतुराज सिन्हा के राजनीतिक सफर की अगर बात की जाए तो ऋतुराज 2005 से राजनीति में सक्रिय है। ऋतुराज 2014 के बाद से ही फ्रंट लाइन पर काम करते भी दिखे हैं। चिराग और पारस एक साथ मनाएंगे स्थापना दिवस। हाल ही में लोजपा रामविलास की तरफ से चिराग पासवान ने स्थापना दिवस मनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब उनके चाचा पशुपति पारस ने भी स्थापना दिवस मनाने का ऐलान किया है, जिसके तहत रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल की तरफ से साझा की गई जानकारी को देखें तो 28 नवंबर को पार्टी का 21वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी धूमधाम के साथ मनाएगी, जिसकी पारस गुट सेवा संकल्प दिवस के रूप में स्थापना दिवस समारोह को मनाने जा रही है। इस दौरान बिहार के सभी जिला मुख्यालय, पटना के रालोजपा कार्यालय और सभी राज्यों में पार्टी इसे धूमधाम से मनाएगी। राजद के प्रदेश कार्यालय में लगा ताला। बिहार राजद का प्रदेश कार्यालय ऐसा कार्यालय जहां हर दिन आपको कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिलेगा, लेकिन अचानक से ही बीते दिन राजद के इस प्रदेश कार्यालय में ताला लगा दिया गया, जिसके बाद अब आने वाले 4-5 दिनों तक यह दरवाजा किसी के लिए भी नहीं खुलने वाला है। जानकारों की माने तो पार्टी कार्यालय में लंबे समय से एक लालटेन स्थापित करने का काम किया जा रहा है, जिसका वजन 6 टन का बताया गया है। पार्टी आलाकमान नहीं चाहती है कि उद्घाटन से पहले इस लालटेन की तस्वीर कहीं लीक हो, यही कारण है कि अब पार्टी कार्यालय में तालाबंदी कर दी गई है। साथ ही बड़े कार्यक्रम के आयोजन की भी संभावना जताई जा रही है। लोकतंत्र की हमेशा जीत हुई है और आगे भी होगी। शुक्रवार का दिन जब आप और हम ऑफिस जाने की आपाधापी में थे और युवा स्कूल कॉलेज जाने की जद्दोजहद कर रहे थे, तब अचानक पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन आया, और संबोधन ऐसा जिसने 700 से अधिक किसानों के बलिदान का परिणाम दिया और कृषि कानून रद्द करने की बात कही, जिसके बाद से ही केंद्र की किरकिरी हो रही है। इसी को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लोकतंत्र हमेशा जीता है, अहंकार हमेशा हारा है। किसान आंदोलन को बदनाम करने का, उन्हें अपमानित करने का, उनकी एकता तोड़ने का, उन्हें भ्रमित करने का हर चाल चला गया। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, क्या क्या नहीं कहा गया, और धैर्य, सत्याग्रह और शांतिपूर्ण आंदोलन की जीत हुई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के प्रस्ताव को 1968 में लोकसभा से स्वीकृति मिली। भारत और पाकिस्तान ने 1971 में एक दूसरे की हवाई सीमाओं का उल्लंघन किया और दोनों देश के बीच हवाई संघर्ष शुरू हुआ। भारत की डायना हेडन 1997 में विश्व सुंदरी बनी। हिंदी की प्रख्यात कवि कुंवर नारायण को वर्ष 2005 की ज्ञानपीठ पुरस्कार हेतु चुना गया। भारत और वैश्विक कंसोर्टियम के 6 अन्य देश ने 2006 में सूर्य की तरह ऊर्जा पैदा करने वाले प्राथमिक फ्यूजन रिएक्टर की स्थापना करने के
के लिए पेरिस में ऐतिहासिक समझौता किया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 2008 में अपना पद छोड़ने की धमकी दी। वरिष्ठ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शांति घोष का जन्म 1916 में आज के दिन हुआ था। हिंदी और भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विवेक रॉय का निधन 2016 में आज के दिन हुआ था। कृषि कानून को हटाने के लिए इस दिन संसद में दिया जाएगा प्रस्ताव। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को स्थगित करने का ऐलान किया था, जिसके बाद भी किसानों ने साफ किया कि जब तक संसद में इस बिल को रद्द करने की आधिकारिक घोषणा नहीं होती, किसान घर नहीं जाएंगे। जिसके बाद ही अब इस कानून को संसद में रद्द करने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर 24 नवम्बर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इन कानून की वापसी के प्रस्ताव की मंजूरी पर चर्चा हो सकती है। इसको लेकर पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा था कि तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया गया है। होने वाले अगले संसद सत्र में कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिहार में मिले कोविड 19 के 5 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 3 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 39 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 2 और समस्तीपुर में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,70,065 सैंपल की जांच की गई, वहीं 1 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। टीम इंडिया ने T20 सीरीज में न्यूजीलैंड को किया क्लीन स्वीप। टीम इंडिया ने इससे पहले खेले गए 2 मैच में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद बीते दिन कोलकाता में खेले गए आखिरी T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात दी है। आखिरी T20 में भारत ने 73 रनों से जीत हासिल की और इसी के साथ उसने न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप किया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को रौंदा है। इससे पहले टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को उसी के घर पर 5-0 से रौंदा था। कोलकाता T20 में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 184 रन बनाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और उसने T20 सीरीज 0-3 से गवा दिया। इंस्टाग्राम यूजर के लिए बुरी खबर। दिग्गज सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम कथित तौर पर इस साल के अंत तक अपने स्टैंड अलोन मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स को बंद करने वाला है। टेक क्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपने थ्रेड्स यूजर को 23 नवंबर से ऐप बंद करने का नोटिस देगी। साथ ही यूजर को मैसेज सेंड करने के लिए इंस्टाग्राम ऐप का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाएगा। आपको बता दें कि थ्रेड्स ऐप को साल 2019 में यूजर के लिए लॉन्च किया गया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कुमार चंदन, शंकर मुखिया, सुनील कुमार, राजीव कुमार, दिव्यांशु कुमारी, BSPE लर्निंग, विकास कुमार सिंह, मनोज कुमार राव, शिवम कुमार, अनिश कुमार, एग्जाम सैटिस्फाइड, रवि कुमार यादव, माहियानंद। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के सबसे सफल मुख्यमंत्री अब तक के कौन रहे हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।